प्लेन को छोड़कर कूदने पर पायलट तो बच जाता है, लेकिन सौयो करोड़ का प्लेन तबाह हो जाता है, तो फिर पायलट को क्या सजा मिलती है, आइए जानते हैं। दरअसल इमरजेंसी होने पर पायलट अपनी जान बचाने के लिए सीट इजेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सीट के नीचे लगा रॉकेट लॉन्च होता है और पायलट को सीट के साथ हवा में 100 फीट ऊपर प्लेन से दूर बहुत तेजी से फेंक देता है, जिसमें पायलट पर 14 से 20 तक का ग्रेविटी फोर्स लगता है और इतने फोर्स से पायलट की टांग टूट सकती है, गर्दन में भी चोट आ सकती है और तो और 20 से 30% पायलट्स की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिससे वो फिर से कभी विमान उड़ाने के लायक ही नहीं रहते, और जो ठीक ठाक बच जाते हैं उन्हें सजा के बजाय दूसरा विमान दे दिया जाता है, जब तक के वो भी अपनी कमर ना तोड़ लें।